मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मुझे माफ़ करना, मैंने बहुत दिनों से एक नया कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि मेरा जॉब प्रोफाइल ऐसा है जिसके कारण मुझे नई जगह पे जाने का समय ही नहीं मिला। मैंने फैमिली के साथ एक लास्ट वीक ट्रिप किया पंढरपुर का। उसके बारे में थोड़ी जानकारी और बजट टूर कैसे करना है उसकी जानकारी मैंने YouTube चैनल में मैंने डाली हुई है। होप आप जैसे मेरे पिछले चैनल है ऐसे यही चैनल को आप एंजॉय करेंगे और लाइक करके सब्सक्राइब भी करेंगे। दोस्तों, पंढरपुर के बारे में मेरा प्री प्लान कुछ भी नहीं था। जैसा मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में भी आपने देखा रहेगा, मैंने सडनली ट्रेन की टिकट बुक की और मैंने पंढरपुर का प्लान बनाया मेरे फैमिली के साथ। पंढरपुर का जब मैंने प्लान बनाया तब मेरे पास सिर्फ पंढरपुर का एक ही ऑप्शन था। मेरे लॉज ने मुझे बताया कि उनको पंढरपुर के साथ तुलजापुर के भी दर्शन करने। उस टाइम पे ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पंढरपुर का टूर बुक हो चुका था। और जैसे आप जानते हो, पंढरपुर और सोलापुर के बीच में बहुत सा डिस्टेंस है, और कोई भी ट्रेन नहीं होने के कारण आपको ST या फिर प्राइवेट व्हीकल से ही सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, उसमें कुछ इश्यू नहीं है, ये तो अनऑर्गेनाइज टूर में हमेशा होते ही रहता है। मैंने पंढरपुर से आने का और जाने का ट्रेन का बुकिंग किया हुआ था। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आप तुलजापुर या फिर अक्कलकोट या फिर पंढरपुर तीनों का दर्शन करना चाहते हो, तो आप सोलापुर एक सेंट्रल डिस्टेंस पकड़ के चलिए, क्योंकि सोलापुर से आपको ट्रेन्स बहुत सारे मिलेंगी जो मुंबई से कनेक्टेड है या फिर कोई दूसरी जगह से। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप सोलापुर से ही बुकिंग अपनी। मैंने पंढरपुर का जब बुकिंग किया था तो मेरे लिए एक दिन का ही टूर था, क्योंकि मुझे ऑफिस से ज़्यादा छुट्टी मिलती नहीं है, तो मेरा टूर हमेशा फास्ट टूर ही रहता है और ज़्यादातर मैं जर्नी नाइट की प्रेफर करता हूँ। इसमें आपका होटलिंग का किराया बच जाता है और एक सोने का भी कंफर्ट लेवल भी मिल जाता है। मैंने रात का ही ट्रेन का टिकट बुक किया था मुंबई से, जो कि ट्रेन चलती है रात को 12 बजे कल्याण जंक्शन पे आती है। सुबह वो 8 साढ़े 8 बजे तक पहुंचा देती है, लेकिन ये पैसेंजर होने के कारण हमेशा डिले करते हैं। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप इस ट्रेन को प्रेफर ना करें पंढरपुर जाने के लिए। मैंने इसी ट्रेन को प्रेफर किया था और मैं कल्याण से 12 बजे चढ़ा। बाद में ट्रेन का सफ़र ठीक ठाक था, क्योंकि मेरा ट्रेन बुक रिजर्वेशन कंफर्म था। सुबह में एक्चुअल 9:30 बजे पहुंचने वाला था, लेकिन मुझे पहुंचते पहुंचते 11:30 बज गए, तो मैं जनरली पंढरपुर स्टेशन पे उतरा। मुझे वहाँ का ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, तो फिर मैंने बाहर जाके पहले थोड़ा सर्च किया कि पंढरपुर स्टेशन से विट्ठल रखुमाई मंदिर कैसे जाया जाता है। मैं जैसे ही बाहर आने लगा, मुझे बहुत सारे रिक्शा वालों ने घेरा और मुझे पूछा कि आपको कहाँ जाना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप प्री बुकिंग करते हो किसी भी होटल का, तो आप उनके झांसे में ना आए और डायरेक्टली टेंपल के लिए आप अगर जा सकते तो टेंपल के लिए चले जाएं। लेकिन अगर आप अपने फैमिली के साथ हैं और आपको अगर फ्रेश होना है टेंपल में जाने से पहले, तो फिर आप उनको बोलिए कि आप मंदिर जाना चाहते हैं, ना कि किसी भी भक्ति निवास या कोई भी होटल में। आपको वो टेंपल के इधर छोड़ेंगे, पर सीट वो लोग 10 रुपया लेते हैं। वो आपको मंदिर में छोड़ेंगे, फिर आप उधर से कोई भी होटल ले सकते हैं। होटल ज़्यादा अगर आप चीप सीजन में जाते हो तो फिर आपको 300 से 400 रुपये में होटल मिल जाएंगे। अगर आप पीक सीजन में जाते हो तो फिर आपको वही होटल 800 से 1000 के बीच में मिलेंगे। पंढरपुर के बारे में आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। पंढरपुर एक ऐसा हिंदू टेम्पल है जिसमें विट्ठल रखुमाई का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि विट्ठल ये विष्णु के ही अवतार है, जिन्होंने
पुंडलिक के द्वारा वहाँ पे अस्तित्व किया था। अगर आपको विट्ठल रखुमाई के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैंने भी जाने का निर्णय किया था, तो मैं टेंपल के वहाँ पे उतरा, तो मेरे साथ मेरी फैमिली थी, तो उन्होंने प्रेफर किया कि उनको फ्रेश होना है, तो मैंने एक धर्मशाला ली जिसमें पानी का सुविधा हो। और मुझे वैसे भी तुलजापुर सफ़र करना था, तो इसके लिए फिर मैंने वो धर्मशाला प्रेफर करके मेरा सामान वगैरह रखा। वहाँ पे फ्रेश होके हम लोग, मेरा ट्रेन का रिटर्न टिकट पंढरपुर से ही था जो कि रात को निकलती है। मैंने सीधा पंढरपुर से 1 बजे हम लोग खाना खा के निकले तुलजापुर के लिए। फिर मैंने एसटी स्टैंड से बस पकड़ा, तुलजापुर तो डायरेक्ट बस जाता नहीं, तो आपको पहले सोलापुर ही जाना पड़ता है। मैं सोलापुर गया, वहाँ का किराया पर हेड आपको 80 रुपीज़ आएगा। फिर वहाँ से मैंने सोलापुर से तुलजापुर के लिए बस पकड़ी जो कि किराया आपको 50 रुपीज़ तक आता है। दर्शन वगैरह मैंने तुलजापुर का लिया, तभी मुझे शाम के 6 बज गए थे। अराउंड 3 आवर्स का सिंगल साइड जर्नी है, तो आपको जर्नी टाइम भी पकड़ना है। तुलजापुर के सफ़र करके मैंने शाम को 6 बजे तुलजापुर छोड़ा, और रात के 9:30 बजे तक मैं पंढरपुर में था। 9:30 बजे मैं पंढरपुर में पहुंच के विट्ठल रखुमाई के दर्शन करके मैं वापस धर्मशाला चला गया। और धर्मशाला जाने के बाद थोड़ा रेस्ट लेके मेरा रिटर्न ट्रेन था, मुझे मीरठ जाना था, तो बेसिकली मैंने रिटर्न ट्रेन मेरा 2:30 बजे था, तो 2:30 बजे तक मैं स्टेशन पहुंच गया। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप किसी ऑटो वाले का नंबर लेके रखिए, क्योंकि पंढरपुर में रात में अगर आपका ट्रेन है तो फिर आपको या तो 2 घंटा पहले निकलना पड़ेगा, या फिर आपको किसी रिक्शा वाले से अपना प्री बुकिंग करवाना पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरा ट्रेन का टाइम हो चुका था और मेरे पास कोई भी व्हीकल या फिर वहाँ पहुँचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था। वो तो विट्ठल की दुआ है कि मुझे बराबर टाइम पे एक ऑटो मिल गया, और उसने जैसे मुझे स्टेशन पे छोड़ा मेरा ट्रेन रखा था। दोस्तों, ऑन एंड अराउंड अगर आप पंढरपुर, तुलजापुर और अक्कलकोट जाना चाहते हैं, तो फिर आप मुंबई से सोलापुर का ट्रेन पकड़िए, फिर सोलापुर से आप पहले तुलजापुर कीजिए, तुलजापुर से आप चाहिए तो अक्कलकोट कीजिए, और अक्कलकोट से पंढरपुर का ट्रेन गाड़ी पकड़ के आप पंढरपुर से मुंबई का ट्रेन पकड़ लीजिए। तो इसमें आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका दिन भी बच जाएगा। मेरा एक्चुअली एक ही दिन का टूर था, तो मैंने अक्कलकोट तो नहीं किया, लेकिन अगर आप अक्कलकोट और तुलजापुर जाना चाहते हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन का प्लान बना के चलिए। इसमें आपका बजट में आगे आपको बता, अगर आप पंढरपुर का सफ़र तय करना चाहते हो तो ये खर्चा जो है वो डिसाइड करता है आप किसके साथ जा रहे हो। मैं अपने फैमिली के साथ जा रहा था, मेरा टोटल खर्चा हुआ विथ होटल रेंट 760 रुपीज़। हाँ दोस्तों, 760 रुपीज़। इसमें मेरा ट्रेन का टिकट 300 रुपीज़, बस का टिकट 50 रुपीज़, तुलजापुर से अक्कलकोट का टिकट 50 रुपीज़, बाद में अक्कलकोट से पंढरपुर का टिकट 80 रुपीज़, होटल रेंट 100 रुपीज़, ब्रेकफास्ट 20 रुपीज़, लंच 70 रुपीज़, इवनिंग ब्रेकफास्ट 20 रुपीज़ और डिनर 70 रुपीज़। ऐसा कुल 760 रुपीज़ आपको खर्चा आता है। दोस्तों, अगर आप पंढरपुर जाना चाहते हो तो कम से कम आपको 760 रुपीज़ पर डे का खर्चा है। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप 2 से 3 दिन में पूरा पंढरपुर कवर कर सकते हो, लेकिन आपको सोलापुर से ही अपना जर्नी स्टार्ट करना है। आपको आजू बाजू का जो भी देखने का एरिया है वो वॉकेबल है। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप किसी
ऑटो वाले को या फिर किसी लोकल टूरिस्ट को न पकड़े, आप अपना टूर खुद कीजिए। या फिर अगर आप पंढरपुर में जाते हो तो वहाँ पे आपको MSRCTC का आपको बहुत सारा ऐसा बसेस मिलेंगे जो हमेशा दिन का सफ़र कराते हैं। सो उनका चार्जेस 400 रुपीज़ है। सो अगर आप और भी लो बजट करना चाहते हो तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप तीनों जगह कवर कर सकते हो उसी 400 रुपीज़ में। चलिए दोस्तों, मेरा अगला वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, शायद मेरा इंटरनेशनल टूर है यूरोप के लिए। सो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को आप क्लिक कीजिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूरोप टूर आप सस्ते में सस्ता कैसे कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।